मैंने एक वीडियो बनाई थी UPSI वर्सेस CGL, तो उसमें उद्देश्य ये था कि जो CGL कर रहा है और उसे लगता है वो कर सकता है तो UPSI की तरफ ना देखे। ये उनके लिए है जिनकी मतलब जिनको इंग्लिश में थोड़ी कमजोरी हो और अच्छे एग्जाम्स नहीं कर सकते, तो UPSI बहुत अच्छी नौकरी है। तो आई वॉज गोइंग थ्रू द कमेंट बॉक्स, तो उसमें एक कमेंट मेरे को मिला आर्यन यादव, और आर्यन यादव कह रहे हैं कि एक को हम भी जानते हैं CGL की लेफ्ट करके SI ज्वाइन कर ली, अब रोता है रोज। तो वो वीडियो थी उनके लिए जो जिनको लग रहा है कि वो CGL कर सकते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे हैं इस टाइप से। और मतलब ऐसा भी होता है क्या कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की CGL की नौकरी लग चुकी है और तब छोड़ के UPSI? अभी क्या बात कर रहा है, CGL की लगी हुई नौकरी छोड़ के आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट की? अबे क्यों मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हाँ भाई ऐसा ही है। कौन है भाई ऐसी महान शख्सियत, हमसे मिलो, हम तो मिलना चाहते हैं, कोई कॉन्टेक्ट नंबर फोटो कुछ तो भेजो, बहुत मन कर रहा है मिलने का। ऐसे भी लोग हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी CGL SSC के थ्रू नौकरी लगी है। माना कि चलो केरल में पोस्टिंग होगी, कोई हमें दो CGL की नौकरी और केरल में पोस्टिंग करो, तो हम तो इस तरीके से जाके वहाँ ही घर बना लेंगे, अपना एक UP में भी घर रहेगा, एक वहाँ भी रहेगा, पूरे इंडिया पे पूरे दोनों छोर पे हमारा कब्जा रहेगा, एक घर यहाँ है एक घर वहाँ है, इस तरीके से। अरे जहाँ रहना है वहीं तो घर बनाना है। और UPSI में, UPSI छोड़ो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट में आ गया और वो भी पुलिस की नौकरी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं अब तो आप डबल स्टार हैं, उसके बारे में क्या साहब नु कौन नींद की गोलियां खा, वो पीछे में आ गया, वो पेट से है। नहीं यार नहीं ऐसे नहीं। चलो एक बार को ये मानते हैं कि यूपी का रहने वाला था या है, और कानून को वगैरह में नंबर आ गया था तहसीलदार की, जो कानून को की वैकेंसी आई थी तो छोड़ के आता, तो एक बार को समझ सकते थे मतलब स्टेट की पुलिस में। तो मेरा भाई अगर 16 वाला है, 16 की जो ट्रेनिंग हुई है उसमें आया है, तो अभी तो दूर से देखा, अभी तो ट्रेनिंग करी है, अभी तो जब नजदीक से आएगा तो थोड़ा बात करेंगे। वो 3D पिक्चर देखी है? 3D पिक्चर में वो है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त ज्यादा नंबरों से पास हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि UPSI में नंबर आ गया और वहां प्रॉब्लम्स हो रही है तो दुख हो रहा है, ये तो चलो मैनेज कर लेगा कि घर ही क्या करते भाई, और कोई नई नौकरी नहीं थी, बेरोजगारी थी और मेहनत करी और कंपटीशन है, ये सब सोच साच के अपने मन को समझा लो जो घर है उसका बुरा हाल ही है, लेकिन उसका तो और भी ज़्यादा मतलब ये कैसे कैसे जी पाएगा आगे अच्छी खासी CGL की नौकरी, CGL की छोड़ के आ रहा है, ये तो ये सोच ही नहीं सकता कि घर थे और बेरोजगार थे इस वजह से चलो कोई बात नहीं मैनेज कर लेते हैं, और अपने मन को समझाएगा कैसे ये CGL की नौकरी में था इतना अच्छा खासा, ये भगवान। जैसे मैं HDFC में था और हम आए थे DPSCM की तैयारी करने के लिए, और हमने ये फॉर्म भर रखा था, इसकी कभी तैयारी नहीं करी, हम करते रहे और इस तरफ सारी चीज़ क्लियर हो ही जानी थी। जब आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CGL वाला अगर कॉन्स्टेबल का फॉर्म भर दे तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, CGL की तैयारी करता रहे, ये ऑटोमेटिक एग्जाम निकल जाएगा कॉन्स्टेबल का। तो जब निकल गया तो आ गए, एक धक्का परेड में आ गए, तो आने के बाद यहाँ हमें समस्या हुई तो हमें पुरानी नौकरी की याद आई, तो हम जाके अपने बॉस से मिले, बॉस से पूछा कि ऐसे से बात है, हम तो भैया वापस यहीं आना चाहते हैं, तो बॉस ने कहा कि एक शर्त में वापस आ जा। वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि आज तुझे यहाँ से जाके वहाँ पे जाके बुरा लग रहा, मतलब बैंक से निकल के और पुलिस में जाके बुरा लग रहा, शर्त ये है कि तू वापस बैंक में आ जा, जब तेरा मन करे तब आ जा, लेकिन ये याद रखियो ये है एक प्राइवेट नौकरी और ये जब चाहेगा तुझे वापस मिल जाएगी, और वो तुझे वापस नहीं मिलेगी, तो तू कभी भी आने के बाद, जैसे वहां जाने के बाद कह रहा है ना कि ये नौकरी अच्छी थी, यहां वापस आने के बाद कभी जिंदगी में ये मत कहियो कि वो नौकरी अच्छी थी। तो भैया हमारे पास तो ऑप्शन था, फिर हमने दिमाग लगाया काफी, तो एक सरकारी का थोड़ा सिक्योरिटी अच्छी रहती है, और हमने मन को समझा लिया कि वो प्राइवेट है। अबे भाई तुम कैसे समझाओगे, तुम्हें तो CGL सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए जानने की कोशिश करते
हल और हालात क्या है? I don't know. Are you gonna miss your previous job? No. No. Oh, don't cry. Are you? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा नहीं ज्ञान की बातें होंगी। और जो CGL में लग गए हैं और अभी UPSI का आने वाला है फॉर्म, अगर उनके मन में कुछ आने का हो तो भैया कोई अगर दोस्त हो जो CGL छोड़ के UPSI में आया है, एक दो जरूर होंगे ऐसे, तो मेरे भाई मुझे पागल मान लेना बिल्कुल, और ये मान लेना कि ये तो ऐसी उल्टी सीधी बात करते रहता। आप उससे फ़ोन करके एक बार पूछ जरूर लेना कि भाई फॉर्म भरूँ, तैयारी करूँ या ना करूँ। अगर वो भी ये कह दे कि हाँ भर दे मजे ले ले, तो भैया फिर तुम जाना, तुम्हारा काम जाना है। तो वापस आने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कदर देश की सेवा, मैं माँ की सेवा। मिलते फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत जय माय फ्रेंड्स।